नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट आपका आता है, आप जब आप बुक स्टडी करेंगे तो आप बार बार पढ़ेंगे डबल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है? तो उसके लिए आपको एक फिश का आपको गिवन है, एक ह्यूमन बीइंग का, ठीक है? तो मैं आपको ट्राई करूंगी डायग्राम के थ्रू, ओके? एंड आपको आपको स्टडी बुक को स्टडी करना जरूरी है, ठीक है? आपके पास, सबके पास बुक है, तो एक बार आपको रीड आउट कर लेना, उसके बाद इजीली समझ में आ जाए, ठीक है? तो जो फिश होता है उसमें होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? तो उसका जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड होता है, ठीक है? एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस जो होती है वो कहाँ पर होती है? गिल्स में, यानी गिल्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, और जो ब्लड होता है वो प्यूरिफिकेशन साइट होता है। मैंने बताया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखना आप लोग, मैंने रेड जो बनाया है वो रेड बताया ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर जो ब्लड हुआ वो ऑक्सीजन रिच हुआ, इसको जो गिल्स है वो सप्लाई कर देगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है? डिफरेंट बॉडी पार्ट में वर्किंग हुआ, ठीक है? रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में CO2 गैस रिलीज हुई, उसे वापस वेन्स कैरी करेगी, ठीक है? वेन्स यानी CO2 रिच जो वेसल्स होगी वो कैरी करेगी, और उसको कहाँ पे लेके जाएगी? हार्ट के अंदर लेके जाएगी, ठीक है? और हार्ट के दोनों चैम्बर में CO2 रिच प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब ये हार्ट से पंपिंग स्टेशन है, ठीक है? अब CO2 रिच को वापस पंप कहाँ करेंगे? गिल्स में, और गिल्स में प्यूरिफाई होगा, तो प्यूरिफिकेशन से ऑक्सीजन रिच डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वापस CO2 रिच ऑक्सीजन जो रिच ब्लड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में, और CO2 ब्लड जो है वापस हार्ट में जाएगा, और हार्ट से वापस पंप करेगा CO2 रिच ब्लड को, कहाँ पे? गिल्स में। तो ये मतलब सिंगल सर्कुलेटर, एक सिंगल सर्किट फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके?